भस्त्रिका कपालभाती दोनों चल रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर पूज्य स्वामी हरिहर देव जी ये ओबेसिटी वाला प्रोटोकॉल करेंगे। मुख्य पांच अभ्यास है, स्थित कोणासन, जिनको मोटापा है 100, 200, 500, 1000 बार। अब पहले मैं 5 मिनट प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूं। राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है, कहीं पर भी आते जाते हैं और जहां रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, एमएलए एमपीसी एमपीएम का, पूजा का एक प्रोटोकॉल होता है, माता पिता का, ऑब्वियसली उनके संतानों का भी, गुरु का, उनके शिष्यों का, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है। खेती में खेती का एक प्रोटोकॉल है, बाजरे की फसल बोनी है, कितनी गहराई में बीज बोना है, कितने बीज बोने हैं, उसका एक प्रोटोकॉल है। धान का अलग प्रोटोकॉल है, खेती बिजनेस व्यापार का एक प्रोटोकॉल होता है। चलो आज शिक्षक दिवस है, गुरु शिष्य का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के कुछ नियम है, रीति नीति है। तो चलो मूल अभ्यास दो बताए ऐसे है। और जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन तो ठीक से कर नहीं पाते, बेचारे लुढ़क जाते हैं। वो मकरासन से शुरू करें तो पूज्य स्वामी आर्य देव जी मकरासन से शुरू करेंगे उसका प्रोटोकॉल। और मैं सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के साथ फिर योग का जो मुख्य प्रोटोकॉल है, मैं जिसको इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का नाम देता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ। तो देखो इतना पसीना आना चाहिए, ये पसीना बहाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो अधिक व्यायाम नहीं कर पाते हैं वो ये योगा फॉर ओबेसिटी वाले अभ्यास करें, स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर थोड़े अभ्यास कर सकते हैं, भुजंगासन, सर्वासन भी थोड़ा कर सकते हैं, फिर मूल अभ्यास है अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेरुदंड के लिए मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। फिर जिनसे बन पाए पूरा तो ठीक है, तो पैर पकड़ने की कोशिश कर ले, धनुरासन, मरकटासन, फिर अर्थ पवन मुक्तासन, एक पाद उत्थान आसन, सेतु बंध कटिप्तान, ये प्रोटोकॉल चलेंगे। मैं सूक्ष्म व्यायाम करता हुआ, अब जिनको अर्थराइटिस है उनको ज्यादा करना है। एक खास बात बता देता हूं, पहले मैं कल बात कर रहा था रोगों और विकारों को अपने भीतर पनाह ना दें। रोग, भोग, बीमारियां और बुराइयां, बुरी चीजें, बुरी आदतें, विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, कर्म आचरण के स्तर पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर, जितने भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्बलताएं, उनको अपने भीतर पनाह ना दें, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगे। मैं अब आपसे सीधा संवाद करता हुआ आपसे पूछता हूं, बीमारियों को और बुराइयों को आप पनाह दोगे, अपने भीतर जगह दोगे, तो वो जितने दिन रहेंगी उतनी अपनी जड़ें गहरी जमाएंगी, वो बढ़ेंगी या घटेंगी? बोलो, जोर से बोलो, बढ़ेंगी। सबको पता है इस बात का, तो कि बीमारी हो या बुराई हो, जितनी पनाह दोगे, जितना अपने भीतर उनको स्थान दोगे, जितने दिन वो टिकेंगी उतने दिन अपने को उखाड़ेंगे, ध्वंस करेंगे। चलो
एक एक बीमारी और उस बीमारी के साइड इफेक्ट, जैसे बीपी, बीपी का साइड इफेक्ट है उससे आंखों की रोशनी जा सकती है, बीपी से, बीपी से आपको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस हो सकता है, बीपी से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी से आपकी किडनी जा सकती है, बीपी से आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए डरा के रखते हैं एलोपैथी वाले कि बीपी की दवा, एक बार बीपी हो गया तो जिंदगी भर खानी है दवा, और जबरदस्ती रोगी बनाए जा रहे हैं। बीपी 5-10 तो सबका फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन जैसे ही किसी का 120 से ऊपर गया बीपी, और उसी को ही रोगी घोषित कर देते हैं कि अब तो जिंदगी भर हमारा कंज्यूमर हो गया। यह है कंज्यूमरिज्म, यह है उपभोक्तावाद। अरे जरा सा कोई गुस्सा कर ले तो ही बीपी बढ़ जाता है, जैसे कोई ऐसे बोले बीपी बढ़ गया, मेरा तो अब अपना नॉर्मल कर लेता हूं मैं अगले क्षण। जोर से बोला ना उसी में अपना भी और जिसको बोला, किसी ने बीपी को बोला तो इस घर में टेंशन मचा रखी, बीपी का भी, बीबी का भी बीपी बढ़ाओ और हस्बैंड का भी, दोनों के बेड बच गए। ये बात जरा सा बीपी बढ़ा और तुम फिर दवा के उपभोक्ता हो जाते हो, फिर तुम, अब मैं आज डॉक्टरों को दूर रखता हूं, डॉक्टर तो बेचारे क्या उनके सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है वो बताते रहते हैं। यह है फार्मा कंपनी है, बेसिकली वो है ड्रग माफिया। 99% उनकी नियत ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हमारा व्यापार फले फूले, लोगों का उपचार उपकार हो या ना हो, और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कब बनेंगे। आजकल जो यंत्र भी बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार डिक्लेयर कर दिए जाए, तुम रोगी हो या ना हो। ये कैसे डिक्लेयर होता है, एक तो आजकल, पहले तो कान वाला प्रयोग करते थे, अब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं बीपी देखने के लिए, शुगर देखने के लिए। जितनी भी मशीनें बनाई जाती हैं, ये डिजाइन ही ऐसी की जाती है कि इसमें 10% चीजों को बढ़ा के बताया जाए, उसको डिजाइन ऐसे किया गया। चलो ये तो सूक्ष्म मैम बता दी, और अब प्राणायाम करो। लोगों का कोलेस्ट्रॉल, लोगों का बीपी, लोगों का शुगर, जो भी तुम मशीनों से मापते हो, वो लगभग 10% बढ़ा करके बताते हैं और तुम्हें रोगी घोषित कर देते हैं, और तुम भी फिर उस चक्रव्यूह में फंस जाते हो। अब तुम्हें अच्छा सा आदमी ये मान ले कि मैं तो बेईमान हूं, मैं तो दुराचारी हूं, मैं तो व्यभिचारी हूं, मैं तो आतंकवादी हूं, मैं तो बुराई हूं, तो फिर वो ऐसे ही करता है आचार्य, मन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये मान ले, मैं रोज कहता हूं मैं ईश्वर का अंश हूं, भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं, वंशधर हूं, प्रतिनिधि उत्तराधिकारी हूं, तो फिर वो ऋषियों की तरह बिहेवियर करेगा। सारा संसार तो मानने का है, मैंने सारे संसार को अपना परिवार, आप सबको अपना परिजन मान लिया, तो मैं फिर आपके लिए सुबह 4 बजे से, जैसे माता पिता अपने संतानों के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपके लिए सोचता हूँ, आपके लिए जीता हूँ। और मैं यू सोचू कि मैं तो बाबा आदमी, मेरा क्या लेना देना किसी से, तो फिर मैं क्यों करूंगा। मैं अपना सुबह उठ करके ध्यान लगाऊंगा, समाधि लगाऊंगा, अपना पूजा पाठ करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। मैंने मान लिया कि मैं सब जनों की सेवा करूंगा, दुखी जनों को उभारूंगा, रोगियों को उभारूंगा, तो फिर मैं सबकी सेवा करूंगा। थोड़ा तेजी से करो, अभी ऐसे कराऊंगा वजन के साथ। अब भस्त्रिका कपाल भाती तो इनका भी चल रहा, महात्मा जी लेट के करो, उधर पैर करो, इधर सिर करो, मुंडी इधर करो, अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन करो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना,
आसनों में भी चल रहा है, मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन हो रहा है, मेरुदंड क्रिया उसमें भी भस्त्री का कपाल भाती चल रहा है। ओबीसीटी के लिए योग चल रहा है उसमें भी भस्त्री का कपाल भाती चल रहा है। आप बैठे बैठे कर लो ऐसे एक अनुष्ठान की तरह। मैं तो भस्त्री का भी करता हूं ना चोर से, तो आगे से और देखो ये अभी तुम दौड़ के आए हो, चलिए पीछे तक ऐसे पूरा पांच मिनट पूरा वेग पूर्वक बड़ा पसीने से तर बतर अभी करूंगा, अभी तो बताया अनुलोम मिला। तो अपने बात को एक बार शुरुआत ठीक से कर देता, जैसे बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस और बीपी के लिए जो दवाई लेते हो उसके ड्रग और ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि कोई भी दवाई, मैं एक दिन पूरा इस विषय को रखूंगा कि कैसे आपके शरीर में अमानवीय अवैज्ञानिक अतार्किक अव्यवहारिक हस्तक्षेप करके आपके शरीर की नैसर्गिक प्राकृतिक क्रियाओं को बाधित करके प्रकृति के और भगवान के विधान को डिस्टर्ब करके ये डिस्ट्रैक्शन के नाम पर ये मेडिसिन दे रहे हैं। आपकी सहज क्रिया को बाधित करके आपका बीपी कंट्रोल करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ही इनको बोलते हैं। आपकी सहज प्रक्रिया को बाधित करके आपके शुगर को कंट्रोल करते हैं, आपके थायराइड को कंट्रोल करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, आपको एंजाइटी की डिप्रेशन की दवाओं के नाम पर, एंटी डिप्रेशन के नाम पर आपको नशीली बनाते हैं। जो भी आपको दवाइयां दी जा रही हैं, या तो वो किसी चीज को उत्तेजित कर रही हैं, या किसी चीज को गैर जरूरी रूप से उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं, या उसको रोक रही है, किसी चीज को, किसी केमिकल्स और हार्मोन्स को या तो ब्लॉक करती है या तो उसको ज्यादा मात्रा में इनहेंस करती, बढ़ाती है। यही काम तो पेन किलर कर रहे हैं, पेन को महसूस करने वाले तत्वों को ब्लॉक कर दिया। ऐसे आपको ड्रग्स दे दिए जो पेन को महसूस कराने वाले आपके भीतर के एंजाइम्स हैं, रसायन हैं, उनको ब्लॉक कर दिया और आपको लगता है पेन नहीं हो रहा। पेन तो हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। फिर स्टीरॉयड उससे भी खतरनाक, बायोलॉजिकल उससे भी खतरनाक। कल एक बहन मिली, बोले बाबा जी मेरे बायोलॉजिकल बंद तो हो गए, बंद ही रहेंगे। मैंने कहा बेटा भूल करके भी नहीं लेना, ये अपने साथ क्रूरता है, अत्याचार है। हम अपने शरीर पर कितनी क्रूरताएं करते, अपने अपने साथ ही आत्मघात करते। थोड़ा कठोरता से मैं इसलिए बोलता हूं, जरा तुम संभल जाओ, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। ये जीवन भगवान की सौगात है, उपहार है, उपकार है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। इस जीवन को संभालो, और इसमें बहुत सामर्थ्य है। बॉडी का रॉ मेटीरियल क्या है? फूड। सब बोलो, बॉडी का रॉ मेटीरियल क्या है? बोलो, जोर से बोलो, फूड। तो कुछ भी तुम एक दाना भी अंदर डालो तो सोचो कि इस शरीर के लिए, मेरे एक एक सेल जींस क्रोमोसोम्स के लिए, डीएनए आरएनए प्रोटीन के लिए, मेरे शरीर के स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक है कि नहीं है। और तुम्हारे मन का रो मटेरियल क्या है? विचार, भाव, संवेदना, इमोशंस। इसलिए मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करता, फट से अपने आप को हटा लो गलत आहार से, गलत विचार से। बॉडी का रॉ मटेरियल फूड, और माइंड का रॉ मटेरियल थॉट प्रोसेस। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। और आत्मा का रॉ मटेरियल क्या? आत्मा तो किसी चीज से बनता नहीं है।
तो ऐसा कहें, शरीर को शक्ति मिलेगी अच्छे सात्विक न्यूट्रिशियस फूड से, मन को शक्ति मिलेगी अच्छे विचारों से, और आत्मा को शक्ति किससे मिलेगी? भगवान की भक्ति से। ये है न योगात परम बलम। चलो अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। अब ये तो विस्तार से फिर कभी कह दूंगा कि बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा, स्ट्रेस की दवा, फिर और अलग अलग प्रकार के तुम एंटीबायोटिक्स, ये तो बड़ी खतरनाक। नो एंटीबायोटिक, नो स्टेरॉइड, नो बायोलॉजिकल। इमरजेंसी में कभी कोई छोटी मोटी चीज लेनी पड़ी, अपवाद है भाई। बाकी कोशिश करो, ऐसे ही वात पित्त कफ, उनकी भी फैमिली है, वात की फैमिली है, सभी भी प्रकार के आर ए फैक्टर, सी आर पी, ए एन ए, ए वी एन, एच एल बी 27, यूरिक एसिड, ई एस आर, ए एस ओ, और फिर ये फाइब्रोमाइलजिया जैसी बीमारी हो जाती, पूरा शरीर ऐसे जकड़ जाता है, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एस एल एम एस, ऑटोमेन डिजीज, दीज आर द होल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड वाता, दीज आर द वाता, ये वात रोग है और कुछ नहीं है। पित्त, एसिडिटी, आंखें लाल हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पूरे शरीर में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, मन बेचैन है, कंठ सूख रहा है, जीभ सूख रही है, मुंह में ड्राइनेस है, स्वाद नहीं आ रहा है, गंध नहीं आ रही है, उसमें त्रिदोष भी होता है लेकिन ज्यादा पित्त दोष से। पित्त दोष बढ़ गया तो पेनक्रियाटाइटिस हो गया, पित्त दोष बढ़ गया तो अल्सर हो गया, पित्त दोष बढ़ गया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, कफ, मोटापा, बलगम, सर्दी, जुकाम, कफ को लिए तो एक तो दिखता ही तुम्हें, फिर कब से मोटापा बढ़ता है, कब से प्रमाद बढ़ता है, और कब से शरीर में गांठें बढ़ती हैं, गांठें, ये इन्फ्लेमेशन, ऑल टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, वात पित्त कफ। अब देखो इन तीन चीजों को ठीक करना है तो वात के लिए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना बता, और आज कल मैंने एक नई टेक्निक बताई है, एलोवेरा और 100 ग्राम और 10-20 ग्राम सहजने के पत्ते लेकर के, एलोवेरा का पल्प ले लो, 10-20 ग्राम सहजने के पत्ते ले लो और उसका पीस करके उसके पानी में ही आटा गूंदो और मिलेट्स का सेवन करो, मल्टीग्रेन नवरत्न देते हैं आपको, उसी की रोटी खाओ, वात रोग ठीक हो जाते इतनी छोटी सी चीज से। पित्त के लिए एलोवेरा में थोड़ा लौकी मिला दो, बीट ग्रास मिल जाए तो वो मिला दो, पित्त ठीक। कफ के लिए थोड़ा सा दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ले लो, थोड़ा सरी ब्रोंकोम ले लो। अब किसी को प्राणायाम करते समय भी बहुत ज्यादा पित्त बढ़ता है तो इसमें भी उनको बिचारों को, किसी को हाइटस हर्निया हो जाता और ज्यादा पित्त बढ़ जाता तो कपाल भाती करते करते मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है तो मुनक्का रख लो और मुनक्का मुंह में चूस लिया करो, मुंह में चूस लिया करो, प्राणायाम करते करते मुंह में मुनक्का रख लो, मुंह में सौंफ रख लो। जिनको बहुत ज्यादा प्राणायाम कर रहे हैं ऐसे शुरू हो जाते, लौंग, काली मिर्च, मिश्री, मुलेठी मुंह में चूस लो, लवंगा दी, खजरा दी, मट्टी मुंह में चूस लो, ब्रोन को मुंह में डाल करके फिर कपाल भाती करो, खांसी नहीं आए। उठते ही जिनको शरीर में दर्द होता उसी को फाइब्रोमाइलजिया कहते हैं, तो उठते ही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, जो भी उपलब्ध हो सहज रूप से उसको ले लो, मेथी का पानी पी लो उठते ही, मेथी का पानी, हल्दी, मेथी, सौंठ, इसको बारीक पाउडर मत करो, दरदरा को उठ के इसको भिगो दो, इसी का पानी पी लो, तो ये क्या एकदम से, फिर नहीं तो किसी किसी को ज्यादा गर्म दवाई चीजें खाने से ना फिर एसिडिटी हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। चलो अब आपको वात पित्त कफ की ही फैमिली है सारी बीमारियां,
वात पित्त कफ बढ़ने से ही बीपी शुगर थायराइड, बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से, और डायबिटीज बढ़ती है पित्त के साथ, वात और कफ दोनों गड़बड़ होते हैं, त्रिदोष बिगड़ने से शुगर होती है। थायराइड कफ दोष है, कफ दोष बढ़ने से T3 T4 गड़बड़ होता है और TSH फिर उसका परिणाम है। तो ये कफ दोष है थायराइड, मोटापा मैंने बोला ये भी कफ दोष है, ये जो तुमने तुम्हें बीमारियां रखी ये सब त्रिदोष के गड़बड़ होने से होती है। कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, गड़बड़ हो रहा है, एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं हो रहा है, क्लोटिंग हो रही है, वात दोष गड़बड़ हो रहा है। कल एक भाई फिर चले गए हो, राजेंद्र मिश्रा जी, बेटा उनका आई सर्जन है, उसके बीपी लो होने से क्लोटिंग हो गया आंख में, अब ठीक से दिख नहीं रहा था। यहां आ गए, मैंने पहले कहा काफी रोगी ऐसे ठीक कर रखे, आज मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक सारी थेरापियां, सिरोधारा से लेकर के सिर पर मिट्टी लगाने से लेकर के सिरो पिच्चू से लेकर के अक्षी तर्पण से लेकर के कर्णपुर से लेकर के या आंख के यहाँ लीच लगाने से लेकर के जैसे किसी किसी की आंखें बार बार ऐसे बंद होती हैं, फड़कती हैं बहुत ज्यादा, किसी के आंखों में से पानी गिरता रहता है, किसी को आंखों में ड्राइनेस है, किसी की आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की आंखों में प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, वो लीच लगाने से एकदम से ठीक हो जाता है। लीच लगाते हैं, उसको लीच लगाई और उसको 70% यही दिखने लग गया, दो लीच लगा दी, जिस आंख में ज्यादा लग रहा था उसमें भी दोबारे दूसरी में भी ना हो तो उसमें भी लगा दी, तो यार लीच लगाते बोले जी मेरे तो 70% वापस आई सही राज। उनका वीडियो है बेटा, ये है भाई सामने आए थे आज भी मिश्रा जी और इनके बच्चे, उनको इसके खुद के बच्चे आई सर्जन है, क्या नाम है? डॉक्टर अनुराग। इनकी आंखें रोशनी चली गई, लो बीपी से क्लॉटिंग हो गई और आंख से अब मिश्रा क्लॉटिंग हो गई, दिक्कत आई। बेटा बोला पापा कुछ, पापा कुछ भी करवा ले, ऑपरेशन कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए। मैं यहाँ बोलता हूँ भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में योग के साथ जो थेरेपी हम कराते हैं अक्षी तर्पण लीच, इन्होंने लीच करवाई, ये लीच लगी हुई है, एक यहाँ लगाई थी हटा दिया, अब क्या हाल है? अब तो 80-90% दिखने लगा, 80-90% दिखने लगा। आंख से दिखाई नहीं देना, कान से सुनाई नहीं देना, कान में लीच लगाते हम, कान के नीचे यहां लगाते, इधर दोनों तरफ इधर इधर लगाते। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले कोई करता ही नहीं था। अब जैसे आंखों में ये बार बार फड़कने की बीमारी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा, आंखों में आंसू आना और बहुत तरह की। अब जैसे किसी को, एक भाई आया तो मैं इधर जा रहा हूं सेकेंड फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ निरामयम में और मोटी मोटी लीच लटका रखी है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या होलिया बिगाड़ रखा है? बोले जी आप इसने तो कहा था कि कितनी भयंकर खुजली हो, मेरे 20 साल से खुजली नहीं जा रही थी चेहरे की, यहां खुजली खुजली, और जब से लीच लगाई खुजली गायब। बहुत बड़ी चीज है ये, एक बार तो खुजली लगती है, जान लीच लगती है ना वहां 8-10 घंटे के लिए एक बार खुजली लगती है। अच्छा इतना सा, कल एक भाई बोला बाबा जी मेरे को तो बहुत डर लगता है लीच से, यही बैठा हुआ। मैंने कहा भाई डर मत, आंख बंद कर लो, ऐसे इतना सा दर्द होता है, मैंने खुद लगवाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी। मैंने कहा भाई जरा हर चीज मैंने खुद ट्राई की हुई, सिंगी मैंने खुद लगाई हुई, जितनी सिरोधारा अक्षय तर्पण कर्णपूर्ण जो आपको थेरेपी कराते सब शरीर के शुद्धिकरण के लिए और रोग के लिए निवृत्ति के लिए भी। तो खुजली के लिए राम बाण, कहीं पर भी काला पीला। एक भाई के हाथ में कोई बुड़का मार गया, काट गया, पहले गांव में लड़ाई होती थी ना तो पहले बड़े सलीके से लड़ाइयां होती थी, ज्यादातर तो हाथ पैर चलते थे, जिसके हाथ मजबूत हो पैर मजबूत हो तो घुस से मारते थे, लात मारते थे,
फिर लोग थोड़े पत्थर पुत्थर भी मारने लगे, फिर लाठी से भी मारने लग गए। हरियाणा वाले जेड़ी से भी, खेती में काम करते हैं ना, तो जेड़ी से भी मारने लग गए। फिर ये यूपी वालों ने कट्टे पट्टे चलाने शुरू किए यूपी बिहार में, तैयार रखते भर करके। तो उसका बुड़का मार गया, कोई ऐसे काट गया तो उसके बेचारे का काला पड़ गया, जोर से बुड़का मार लिया, काला पड़ा हुआ था 20 साल से, काला पड़ा हुआ था। उसको लीच लगवाई और वो कालापन जो था सारा जहर निकाल दिया मात्र आधा घंटे के अंदर, सारा कालापन गायब। बोले दी ये तो हाथ तो पूरा काला हो रखा था, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया खाली लीच लगाने से, अंदर कोई गंदगी भरी पड़ी है। ये खास बात है, क्या कुदरत ने बनाया, लीच खराब चीज को निकालते थे, अच्छा खून नहीं पीते। सेम श्रृंगी, कितना ही भयंकर शरीर में उपद्रव हो रखा, दर्द हो रखा, करीब 99% दर्द तो उसी समय ठीक हो जाते हैं। अंदर से टूट फूट हो रखी, वो ठीक नहीं होगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बड़ी जबरदस्त एक एक थेरापी, और एक साथ ही सारी थेरापियां अप्लाई कराते हैं। तो चलो अब मंडूकासन करो, अभी अब प्राणायाम तो बाद में करना ही करना है। मंडूकासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन चल रहा है ओबीसीटी के लिए। लयबद्ध हो करके बस करते जाना। कमर दर्द के लिए मरकटासन, और ये 2-3 बार ये रिपीट करना इस पैकेज को, इस प्रोटोकॉल को, इस योग के अनुशासन को, अतः योगानुशासन। और कितना सुहाना मौसम है, मंद मंद पवन बह रही है, योग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, योग थेरापी, यज्ञ थेरापी। मंद मंद पवन चल रहा है तो ये वायु चिकित्सा हो रही है, अंदर की अग्नि जागृत कर रहे हैं और बाहर की अग्नि भी जल रही है, यज्ञ थेरापी भी चल रही है। अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा, धरती माता की गोद में हम बैठे हुए, और फिर बाद में तो मिट्टी थेरापी की, मठ चिकित्सा के अलग अलग रूप स्वरूप है। सारी चिकित्साएं एक साथ, ये हमारे आस्था वाले बच्चे दिखाते रहते, दिखाओ सारी, वाटर थेरापी, मठ थेरापी, सन थेरापी, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षी तर्पण, कर्णपूर, नस्य, दस्यों तरह से मसाज कराते हैं, स्नेह धारा मसाज, पोटली मसाज, बालू का से मसाज करते हैं, बालू के अंदर हल्दी, मेथी, अजवायन, सेंधा नमक बालू में ही मिला देते हैं, रेत मिट्टी होती है उसी में डाल करके, ड्राई मसाज, पोटली मसाज, फिर एक होती है उद्वर्तन, वो कोल कुलत्था आदि से जो मोटे मोटे लोग हैं उनको सूखा रगड़ते हैं। पहले तो तेल से करते हैं, फिर सूखा रगड़ते हैं जिससे कि रेसेज ना आए, फिर अलग अलग तेलों से मसाज, बादाम रोगन से, तिल के तेल से, सेंधवादी तेल से, बलादी तेल से, नारायण महानारायण तेल से, जिनको स्किन डिजीज होती है तो फिर कायाकल्प तेल से, बहुत ज्यादा स्किन डिजीज होने पर केवल एलोवेरा के जेल से भी मसाज करते हैं, जेल से मसाज, जेल मसाज। एक एक थेरापी बड़ी जबरदस्त है। बड़े शहरों में मसाज करने के 3-5 हजार रुपए ले लेते हैं, सिरोधारा करने के 3-5 हजार रुपए ले लेते हैं,
एक बार स्टीम देने के, एक बार चेहरे पर कुछ थोड़ा बहुत लपेटते, फेशियल करवाने जाते हैं ना भाई बहना, 3 से 5 हजार रुपए ले लेते। और यहां 3 हजार रुपए में तो सारी थेरापी, रहना सहना, खाना पीना और ऊपर से स्वामी रामदेव मुफ्त में मिलता है। मैं अभी अमेरिका गया कुछ दिन पहले, बोले स्वामी जी आपके तो दर्शन करने बहुत दूर से आया था, इन्वेस्टर था वो, मैं इन्वेस्टर मीट के लिए गया था। सांस बाहर छोड़ो, पेट अंदर खींचो। और बाबा जी 1 घंटे की क्लास के $1,000 लेते हैं मेरे से, और वो तो आपके चेलों की जितना भी नहीं जानते। $1,000 का मतलब कितना, $1,000 का मतलब रुपए कितना हो गया, 80-82 हजार रुपए। और बोले वो तब जब 10 को एक साथ सिखाते, 20 को अकेले को सिखाए तो सीधा बोलता है $5,000 लगेंगे। अब बताओ मेरा जैसा योग गुरु तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, किसी बड़े गुरु के, महात्मा के, साधु संत के दर्शन, ये इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती। और मैं ही नहीं, सुबह उठ करके भोर में तुम्हें भगवान की कृपा मुफ्त में मिलती है। जो भोर में उठ जाते हैं भगवान के आशीष उनको मुफ्त में मिलते हैं, हम भगवान के आशीष से अनुग्रहित उपकृत हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं। सब प्रकार की थेरापियां कराते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था मंडूकासन थोड़ा लंबा करो, जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो पद्मासन में भी बैठ करके आगे झुक जाओ, नहीं तो मंडूकासन और वक्रासन ही लंबा करो। जिनको अल्सर हो, पेट दुखता हो, हाथों में सूजन हो, तो बहुत देरी करना, कपाल भाती जोर से नहीं करना। बहुत ज्यादा कोलाइटिस है, बहुत ज्यादा अल्सर है, तो फिर थोड़े दिन कपाल भाती अवॉइड कर। बहुत ज्यादा कोलाइटिस, बहुत ज्यादा अल्सर होने पर, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि होने पर, बहुत ज्यादा हाथों में इन्फ्लेमेशन सूजन होने पर थोड़े दिन ऐसे ही कर लो, नड़े भर जाते हैं, भूख नहीं लगती है, बहुत बुरी हालत है। अपने अपने अभ्यास सलीके से, तरीके से थोड़ा लंबे समय तक करने पड़ेंगे। अब देखो मंडूकासन और ये वक्रासन, ये तो सभी कर लेते हो, इजी है। अब अर्धमत्स्येन्द्रासन में पैर ऐसे मोड़ करके, फिर दूसरा ऐसे घुटने के बाहर की ओर रख करके, और फिर ऐसे करके, थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, इतना ना हो तो इतना तो हो रहा है, इतना ही कर ले। ऐसे पूरी लयबद्ध होकर के करना, अमृत बेला जाग, अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग, अमृत बरस रहा, योग करन में लाग, अमृत बरस रहा, प्रभु सुमिरन में लाग, अमृत बरस रहा।
बेला जाग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। गोमुखासन कर लो, कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले जिनके स्टिफनेस है ऐसे रुमाल पकड़ के कर लिया, धीरे धीरे खिंचता चला जाएगा। तुमने अपने शरीर को बेकार कर रखा, पहले लोगों को इतना पैसे पकड़ना पड़ता। फिर धीरे धीरे परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले, परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले, योग करण में लाग अमृत बरस रहा हो, शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जागे अमृत बरस रहा, अमृत बेला जागे अमृत बरस रहा। ये पूरा देश जिस दिन भोर में उठ करके निरत हो जाएगा, योग यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, पंच महायज्ञ, 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है, सब भूल गए थे, उसी की याद दिला रहे। चलो उठते लेटो, होले होले, कितनी बार करने के लिए बोला हुआ था, अलग अलग पैकेज कर रहे थे, अब दोनों एक साथ करो। ये ऐसे हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, हरि हरदेव जी महाराज, चलो महाराज सब करो, भुजंगासन दो तरह से कर लो, लंबे लंबे श्वास भर लो, 100 बार तक ऐसे कर लो, थक जाओ तो ऐसे कर लो, तो 10 बार करने से ही थक जाते हैं, हम तो 50 बार लगातार करते हैं और एक ही श्वास भर के कर लेते हैं। वो बड़े भाग्य से नर्तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया, ऋषि मुनियों
रखना इसे बेदाग अमृत बरस रहा। अपने शरीर पर, तन पर, मन पर, आत्मा पर, आचरण पर, जीवन पर कोई दाग नहीं लगने देना, बेदाग रहना। ओ रखना इसे बेदाग अमृत बरस रहा, रखना इसे बेदाग अमृत बरस रहा। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। यहाँ योग ग्राम में इतना सुहाना दृश्य होता है, टीवी पर भी देखते हैं तो अच्छा लगता है, यहाँ आकर के तो इतना अच्छा लगता है, बहुतों का तो जाने का मन ही नहीं करता। कुछ कहते हैं जो रिटायर होते हैं, बाबा जी हमारी तो कुटिया यही अपने बगल में ही बना दो। तो ये भी करना पड़ेगा आगे, एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कॉलोनी बनाऊंगा, उनको अपने पास ही बसाऊंगा। अब क्या करना, बुढ़ापे में हरिनाम जपो और सेवा। Is there sugar in this? In this? When people get diabetes, all they ask is there sugar in this? From now on, ask, is there fiber in this? Like Horlicks Diabetes Plus. It starts working from day one. Because it has high fiber and essential nutrients, which according to the research, help manage diabetes. आटा गूंदो, पानी की जरूरत 100 बार तो सभी कर लेते हैं, बच्चे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं शेष, और शेष धीरे धीरे कर लेना, जो रोगी है वो ऐसे होने हो। फिर राम के घर घर गली, खुद राम बनना है, खुद कृष्ण बनना है, खुद हनुमान बनना है, खुद शिवत्व को पाना है। शिवो हम रामो हम कृष्णो, शुद्धो हम बुद्धो हम नानको हम। लंबे लंबे श्वास, श्री राम कृष्ण निकले घर 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 गली गली, अर्जुन वकर धारण स्थली से, अर्जुन वकरण जैसे यो धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से। सन्यासी होती है तो अपना सन्यास धर्म, अपना सेवा धर्म,
हे प्रभु में अपना वेद धर्म ऋषि धर्म सन्यास धर्म सनातन धर्म सेवा धर्म भापाओं सम्यक प्रकार से उसका निर्वाहन करना ऐसे मति दे ऐसे भक्ति दे ऐसी प्रकृति में बना देना वैसे बदलना जरूरत पड़े तो इसके लिए अपने प्राणों को भी निर्धारण करने के लिए ये संकल्प होना चाहिए। जीवन में कभी कोई अशुभ होगा ही नहीं। फिर हम अपने वीर वीरांगना और शीर्षिकाओं की तरह जी और ऐसे जीते हुए अपने घर परिवार व्यापार संसार के उत्तरदायित्व का निर्वहन तो बहुत छोटी सी बात हो ही जाए। अपने वेद धर्म ऋषि धर्म सनातन धर्म राष्ट्र धर्म को संविधान वो ऐसे भोलाल पैदा हो गया थायराइड की बीमारी हो गई
बात सब त्रिदोष गड़बड़ हो गए। किसी को दर्दे हैं, कोई पीड़ाओं से कहरा रहा बात रोक हो गई, पूरा ढांचा डामा हो गया। कोई पित्त से उबला जा रहा है, ज्वालामुखी बना हुआ है। किसी की कफ के कारण से सांसें फूल रही है, कम उखड़ रहा है, कम ही खत्म हो गया दमा से। चलो सीधे दे दो, बोले बाबा जी क्या करें। और इन मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले झूठे लोगों ने और ऊपर से डरा दिया, इसलिए एलोपैथी का एक नाम मैंने रख रखा है, डरपैथी। क्या नाम है बोलो? डरपैथी। बहुत डराते हैं, लूटते हैं, तो दूसरा नाम रखा था लूटपैथी। क्या नाम है बोलो? अरे खुद लूट पीट के बैठे हो बहुत। क्या नाम है बोलो? लूट पैथी। जहर खिलाते हैं, जहर पैथी। किसी की सिंपैथी नहीं है तुमसे, ये जहर खिलाते हैं, जहर पैथी, विष पैथी। एलोपैथी नहीं, ये विष पैथी है, जहर पैथी। खूब डराते हैं। और ये तुम्हारा बीपी एक बार हो गया, शुगर एक बार हो गया, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, तुम नॉन डाइट नहीं रह सकते जिंदगी भर। हमारी दुआ खाना बैसाखी करती है, हमारी गुलामी करना, ये गुलामी का नया दौर है। मैं तो आजादी का उद्घोषक हूं। लंबे लंबे श्वास। राजनीतिक आजादी की तो सब बातें करने लगे हैं पूरी दुनिया में। मैं स्वास्थ्य की आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी का तुम्हारे तन आजाद नहीं, तन को जगड़ दिया है रोग। तुम्हारे मन भी आजाद नहीं है, तुम्हारे मन को जकड़ दिया है भोगों ने। तुम गुलाम हो काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, अविद्या, अस्मिता, राकत, द्वेष, अभिनिवेश, गुलामी की जंजीरों के बेड़ियों में जकड़े पड़े। और फिर कहते हो मैं आजाद ख्यालों का मनमानी करते हो, और उसमें तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन एक एक व्यक्ति के ऊपर परमात्मा ने, भगवान ने इतना बड़ा अनुग्रह किया। अर्धलासन, पाद वृक्षासन, विचक्रिकासन जरा लंबा करो, एक एक व्यक्ति करने शिक्षा की आजादी है। अभी भी मैकाले के सिद्धांतों के अनुरूप ही शिक्षा चल रही है। दुर्भाग्य से सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय सरकार का बोर्ड और स्टेट बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में, सिलेबस में वेद दर्शन उपनिषद, भारत बोध, सच्चे इतिहास बोध, सनातन बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, आत्मनिर्माण चरित्र निर्माण के साथ शिक्षा नहीं देता। जरा बड़े शब्द बोल रहा हूँ, कोई भी सेंट्रल बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड, कोई भी इंटरनेशनल बोर्ड आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देता। और हम इतने बेवकूफ, इतने बावले, इतने ना समझ, नादान बने हुए हैं कि अपने बच्चों को उसी शिक्षा की गुलामी में धकेल करके गौरव अनुभव कर। गुलामी आज गौरव बन गया, शर्म की मनुष्य के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मनुष्य का विकास होना चाहिए। का विकास? मनुष्य का विकास और मनुष्य के लिए विकास। वेल्थ क्रिएशन, पानी दिखा रहा दिखा रहा तीन चार दिन भैया
रक्षाबंधन का मतलब यह है कौन सा ऑयल है रक्षाबंधन में धागे बांधने मात्र ये जो पवित्र पहनने मात्र पूरी व्यवस्था मात्र से शिखा बांधने वाले सूत्रों में अपने आप को पिरोना पड़ेगा चुका है अर्ध हलाकर एक एक पर पांच वृत्ता बड़ा आंदोलन सनातन धर्म की रक्षा का पतंजलि कोई जाति का बंधन नहीं है सुग्रीव कहाँ किस किंदा पर्वत में रहते एकता के समानता के ये सुग्रीव सूचना धर्म समानता मैत्री की मित्र सर्वाणी भूतानी संताम के गीत वेदों ने कहा सब क्यों न बंधे कैडबरी का नया चोको मिक्स केक दिखता है कि है कैडबरी मेरा बेदाग निखार मिले नए नाम से हमारे सबसे बड़े साबुन से व्यवस्था को दुर्भाग्य से आज ये भी सनातन धाम बनाने सूर्य भगवान इतिहास में लाखों बहनों का नाम से कई चीजें एनजीओ एनजी चला इसका एनजीओ भी बनाया जाए इसका ट्रस्ट भी बनाया जाए मजाक खुल जाएगा
भाई जाते 3000 2700 की पूरा भैया के प्रेशर से चलो मैं जानता हूँ भैया विदेशी कंपनी मेरे को इंडिया खरीदा इसीलिए मैं कैंपस खरीदा और मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ अपनी कंपनी कैंपस में जाता हूँ हिंदुस्तानी कंपनी है इसीलिए मैं खरीदा इसीलिए मैं प्रेशर प्रेशर दुनिया अड्डा पड़ता कैसा इंडिया का है हाँ तो अच्छा है इंडिया का है तो अच्छा है अभी है बहुत दिन बाद ही लेस वाली जूता पहने हूँ दो बार खरीद चुका हूँ बिना लेस वाली खरीदता इसमें भी लेस लगी पर बाल में नहीं पड़ता हाँ लगी तो है अरे यार मेरे को थोड़ा ना स्पोर्ट टाइप का जूता ले लिया क्या जूता श्रृंगार तेरा यौवन ही तेरा गहना आप बार ही कहते लोकल फार लोकल अब यहाँ कहते लूट ले रहा होगा मिलने मिले लोकल से तो आता कर रखा है हर मोड़ का यहाँ पंचायत किसके साथ गया है ना भैया चक्कर में जैसे इस बार रक्षा बंधन हमने ज्यादा बोले तो हमारे ऊपर पहले तो जो वेद विरोधी है सनातन विरोधी ऋषि संस्कृति के विरोधी भारत विरोधी है वही खूब लट लेके पड़े हुए फिर अपने वाले भी मिल जाते हैं इसलिए हमने कहा भाई देखो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे जितना कह दिया उसके लिए क्षमा हम तो आज सुबह से ही रक्षाबंधन मना रहे हैं और सब मनाओ और श्रावणी का हवन भी करो ये जो कोई भी करो एक बोले श्रावणी मनाने में दिक्कत नहीं है रक्षाबंधन में दिक्कत है मैंने कहा श्रावणी ही मूल कर्म है मूल पर्व है बाकी रक्षाबंधन तो ये तो बाद का बंधन है ये तो समय सामय तो पूरे दिन भर राशि बांध पवन मुक्ता आजकल सोशल मीडिया पर पूरी पाठशाला खुली थी जो कि 11 बजे रात को ही बढ़िया चांद उग रहा है दिन छिपने से पहले ही उग गया काल गणना के दो तरीके हैं कार्य चक्र उसको तो तुम नहीं बदल सकते लेकिन व्यवहारों त्योहारों को पर्वों को तो व्यवहारिक धरातल पर हम मना सके व्यवस्था कर लो यहाँ पर इसको 10,000 लोग डेली करते हैं ये इस तरह 10 मंच है
बाबा बाबा चेन हो गया दस मंथ दुनिया के दस मंथ लाइफ